हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश गोस्वामी और यूट्यूब के मैकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, जिसको दोस्तों आप मात्र और मात्र 5 रुपये में बना सकते हो। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक से परिचित नहीं हो तो आप ये प्रोजेक्ट ना बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये वेल्डिंग मशीन बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार से हो, जैसे इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए प्लास या फिर लकड़ी या प्लास्टिक का होल्डर, कुछ वायर, कुछ भारी लोहे की पत्तियां और एक प्लास्टिक की बाल्टी जिसमें करीबन 10 लीटर के आसपास पानी और एक कटोरी में नमक करीबन 50 ग्राम के आसपास और कुछ इलेक्ट्रोड। और दोस्तों, इसे यूज करने के लिए हाथों में ग्लव्स, आंखों में चश्मा और पैरों में जूता होना ज़रूरी है। चलो दोस्तों, मैं इस सर्किट को कंप्लीट करके और आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वेल्डिंग मशीन का सर्किट पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम वेल्डिंग मशीन को सप्लाई देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, एक तार यहाँ पे, देखिए ये जो नीला तार है, ये सीधा जिस इलेक्ट्रोड से हम वेल्डिंग करते हैं उसको सप्लाई जाती है। और जो दोस्तों दूसरा तार है, ये जो ब्लैक वाला तार है, हम इसको प्लास्टिक की बाल्टी में नमक और पानी है, इसका घोल है, इसके अंदर एक भारी, एक तार को भारी जैसे लोहे की वस्तु बांध देते हैं और उसके अंदर डबो देते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और दूसरी तरफ से एक और भारी लोहे की धातु को बांध कर हम डबो देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए दूसरे के, और इसका जो तार बाहर निकलता है वो इसी किसी जैसे प्रोजेक्ट को हम वेल्ड कर रहे हैं वहाँ पर एक बारीक लोहे की धातु को बांध देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को वेल्डिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इससे आपको सप्लाई देकर के वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दी है इसको, और देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं कैमरे को फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको वेल्डिंग करके अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं इसको वेल्ड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से हम प्लास से पकड़ लेते हैं और मान लीजिए हमें यहाँ पर वेल्डिंग करनी है, इस प्रकार से वेल्डिंग करनी है, तो मैं आपको वेल्ड करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों, एक बार मतलब जो नमक है वो पूरी अच्छी तरह से घुला नहीं है, अगर पूरा घुल जाएगा नमक तो अच्छी वेल्डिंग होने लगेगी। और हम करंट को, नमक को कम ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी वेल्डिंग हो रही है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप ये सब ना ही करें। धन्यवाद दोस्तों।